हेलो दोस्तों, यादिरा फैब्रिक क्रिएशन में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे हम घर पर बची हुई बेकार कतरन जो कपड़ों की होती है या आड़े टेढ़े जो भी हमारे पास कपड़े बचे होते हैं उनका हम कैसे बहुत ही ब्यूटीफुली यूज़ कर सकते हैं और उनसे बेहतरीन चीज़ें बना सकते हैं। आप इन फैब्रिक को फेंकिए मत, इन फैब्रिक का यूज़ करके बहुत ही ब्यूटीफुल से आइडियाज़ हम बना सकते हैं। मेरे पास भी कुछ लेफ्ट ओवर फैब्रिक था और उन्हीं में से कुछ का यूज़ करके मैंने इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर शेप में पीसेस को कट कर लिया है। इनकी मेजरमेंट कुछ भी हो सकती है, बस ये स्क्वायर शेप में ही होने चाहिए, यानी कि इसकी जो लंबाई और जो चौड़ाई है वो इक्वल होनी चाहिए। और ये जो मैंने पीस लिए हैं ये मैंने 4-4 पीसेज में लिए हैं सारे, और इनकी जो मेजरमेंट मैंने ली है वो 4x4 इंचेस की है, यानी इसकी जो लंबाई और जो चौड़ाई है वो 4 इंचेस में है। और इस तरह जो पिंक कलर का ये पीस है इसके भी मैंने 4 पीसेज लिए हैं, और इसकी जो मेजरमेंट जो मैंने ली है वो 7x7 इंचेस की है, यानी कि इनकी जो लंबाई और जो चौड़ाई है वो 7 इंचेस की है। और इसके अलावा मैंने 4 पीसेज में स्ट्रेट पट्टियों को कट कर लिया है, ये भी 4 पीसेज में है, और इसकी जो मेजरमेंट मैंने ली है वो 2.5 इसकी चौड़ाई है और 21.5 इसकी लंबाई है। बस इन्हीं 3-4 पट्टियों का यूज़ करके आज हम बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत ही आसानी से बनने वाला एक ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे जिसको आप कहीं पर भी बनाओगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। सबसे पहले बड़ा साइज़ मैंने लिया है फैब्रिक का, और जो छोटे वाला पीस है उसको इस तरह से बीच में से फोल्ड करते हुए हमें इस तरह से जो बड़े वाला साइज है उसके कॉर्नर पर इस तरह से सेट करना है और किनारे पर इसको स्टिच कर देना है। यदि हम यहाँ पर स्टिच ना करें तो जो हमारी पिन्स होती हैं उसके साथ भी इसको सिक्योर कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर इसको स्टिच किया है किनारे से। और इसी तरह से चारों पीसेस को इसी तरह से हमें रेडी कर लेना है, और वन साइड इसकी ओपन रहेगी, यानी जहाँ से हमने इसको फोल्ड किया था इस पीस को वहाँ से हमें इसको स्टिच नहीं करना है, बस किनारे से इसको स्टिच करना है। ये देखिए मैंने चारों पीसेस को रेडी कर लिया है, बहुत ही आसान है। अब इन चारों पीसेस को कुछ इस तरह से रखना है ताकि बीच में इस तरह से एक डिजाइन बने। अब आमने सामने दो दो पीसेस को हमें लेना है और इस तरह से किनारे पर इसको वन साइड से स्टिच कर देना है। ये मैंने स्टिच कर लिया है, अब इनको आमने सामने इस तरह से रखना है और इनको भी आपस में स्टिच करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है और प्रेस के साथ भी इसको थोड़ा सा सेट कर लिया है। अब जो मैंने स्ट्रेट पट्टियों को कट किया था उसको हम किनारे पर अटैच करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी शेप आएगी, तो मैंने ये पीस को भी रेडी कर लिया है। अब इस फैब्रिक की थोड़ी सी थिकनेस को बढ़ाने के लिए हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई हैवी कपड़ा इसके बीच में हम रख सकते हैं। ये मेरे पास एक लेफ्ट ओवर फैब्रिक है, इसको मैं बेस की तरह यूज़ करूँगी, यानी सबसे पहले मैं इसको नीचे की तरफ सेट करूँगी और इसकी जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ है। मैं यहाँ पर एक कैरी बैग का भी यूज़ करूँगी ताकि इसकी जो थिकनेस है काफ़ी अच्छी हो सके। सबसे पहले मैंने कैरी बैग को दोनों तरफ से खोल लिया है और ये बिल्कुल वॉशेबल है, तो कैरी बैग को मैं सबसे पहले इस तरह से सेट कर लूँगी और जो मेरा मेन फैब्रिक है उसको इसके ऊपर अच्छे से सेट करना है। पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर सकते हैं। अब ये जो साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं कट कर दूँगी। और कट करने के बाद अब मैंने यहाँ पर 5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, और डबल फोल्ड करने के बाद जो हमने पीस रेडी किया है उसके किनारे पर इसको अटैच करना है। अब इसको उल्टी साइड से हमें अटैच करना है,
और पूरे को अटैच करने के बाद इसको अंदर की तरफ लाते हुए सीधी साइड से भी अटैच कर देना है। ये देखिए हमने जो अंदर की तरफ इसको पट्टी को लेकर आए हैं इसको भी अटैच कर दिया है और दोनों तरफ से कितनी फिनिशिंग आई है, आप इसको दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। अब बीच में जो ये डिज़ाइन बना है, जो ये ऊपर की साइड से ओपन है, हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है, बट मैंने इसको जो इसके किनारे हैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक मशीन चला दी है और इससे ना बहुत ही ब्यूटीफुल साइज का डिज़ाइन बना है। इससे हमारा जो बीच वाला शेप है ये थोड़ा गोलाई में आएगा तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। ये बस इसके किनारे को थोड़ा सा अंदर की तरफ उठाना है और इसके ऊपर मशीन चला देनी है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर जाना है और जैसे हमने इसको फोल्ड किया है बस उसी के ऊपर मशीन चलानी है और बहुत ही ब्यूटीफुल साइज का डिजाइन बनेगा। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा अंदर की तरफ एक गोलाई शेप में इसका डिजाइन बना है। तो देखिए हमारा एक बहुत ही बेकार से जो कपड़े हमारे पास पड़े होते हैं उससे कितना ब्यूटीफुल सा हमने एक बहुत ही प्यारा सा एक डिज़ाइन बना दिया है। इस डिज़ाइन को आप कहीं पर भी बना सकते हैं, पिलो कवर पे बना सकते हैं या कोई भी आप डोर मैट या कोई भी आप बेड रनर कुछ भी आप बनाएं तो उसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन बनेगा। तो देखिए कितने फिनिशिंग के साथ बना है और बिल्कुल ही आसान है, बस स्क्वायर पीस में पीसेस को कट करना है और उनको आपस में जॉइंट करना है और बाद में इस पट्टी को हमने किनारे पर अटैच करना है और इस तरह से हमारा एक ब्यूटीफुल सा एक डिज़ाइन रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए आइडिया के साथ। टाटा बाय बाय, थैंक यू।